આગામી દિવસોમાં અયોધ્યાના રામ મંદિરના મુદ્દે આવનારા સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાના પગલે દેશમાં શાંતિનો માહોલ જળવાઈ રહે તે માટે શાંતિના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે, જેના ભાગરૂપે સેલવાસ ખાતે સર્વધર્મ સમાજ શાંતિ સમિતિની એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા કલેક્ટર તથા પોલીસ વડાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓએ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને આવનારી કોમી એકલાસનું વાતાવરણ બની રહે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. ने ऐसे समय में भी अपने आप को संभाला था जब बाकी के प्रदेशों में आग लगी हुई थी. सर हमारा नगर हवेली का इतिहास रहा है पीस का. सारी कम्युनिटी सर, नॉट ओनली मुस्लिम, सारी कम्युनिटी का इक्वल सहयोग मिलता है सर, और हमेशा यहाँ पे एक शांति का माहौल बना रहा है. सर आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर सर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए. सोशल मीडिया पर थोड़े से डेरोगेटरी मैसेजेस वगैरह सर्कुलेट होते हैं तो उस पर थोड़ा सा अगर हम चाक चौबंद नज़र रखेंगे तो बाकी पे तो सर आप देख ही रहे हैं. ऑल कम्युनिटीज आर टुगेदर एंड वी होप दैट सब ठीक रहे. नो मैटर डिसीजन क्या आता है मस्जिद में आए या जैसे बाकी लोगों ने कहा कि मंदिर का डिसीजन आया मस्जिद आए और हमारा जज्बा से आए कि हम शांति की ओर चले और हमारे समाज की तरफ से और जैसे कि हम भगवान ने हमें सभी को सृष्टि किया है और हम सब मनुष्य हमारे दिल में प्यार है शांति है और वही अनुभव करें और हमारे इस छोटे शहर में एक दूसरों को वही शांति और प्यार से हम एक दूसरों को देखें और वही शांति और प्यार हम ये शहर में फैलाएं. फेस्टिवल्स में सर्वधर्म सद्भाव के हिसाब से सभी धर्मों ने आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया एवं प्रशासन को जो भी जैसे कि हमारा 10 तारीख को ईद मिलाद है, उसके बाद 12 तारीख को गुरु नानक जयंती है जिसकी भी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि आज सभी जो धर्म के लोग हैं जो भी समाज के अग्रणी नेता हैं और जो हमारे पब्लिक लीडर्स हैं किसी न किसी के कभी फेवर में आता है या कभी अगेंस्ट में आता है या कभी जो है बैलेंस जजमेंट रहता है किसी भी कोर्ट का देखेंगे चाहे JNFC कोर्ट से लेके आप सुप्रीम कोर्ट तक की बात करें तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मन में लगे कि नहीं मतलब जजमेंट सही नहीं है. बताता हूँ कि आप भी अपना कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं प्रशासन से अगर कुछ सहयोग चाहते हैं या अपने व्यूज करना चाहते हैं तो आप लोग भी फ्रीली अपने व्यूज को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल मुझे आप सभी एक जिम्मेदार आदमी नगर हवेली में तो इसी मद्देनजर जो है हमने आप सभी लोगों को मीटिंग बुलाई है कि आने वाले समय में जो है अभी जो फेस्टिवल भी हमारे बचे हुए हैं और अयोध्या का जो जजमेंट है वो भी आने वाला है तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी पूरे फेस्टिवल के दौरान पूरे साल हम लोगों ने संयम बना के रखा उसी तरीके से जो है हमें आगे भी संयम बना के रखने की आवश्यकता है. अगर आपको कोई भी इशू लगता है या कोई भी आपको दिक्कत लगती है कोई प्रॉब्लम लगता है या किसी भी तरीके का आपको जो है संदेह आपके मन में है या आपके ध्यान में है तो आप जरूर उसको हमारे आज का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा आप कभी भी मेरे पास हमारे ऑफिस में आके हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह के संदेह को जो है यहाँ पे दूर रखा जा सके. क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं सिलवासा के एवं दादरा नगर हवेली के तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारी पब्लिक है क्योंकि आज हम इस छोटे से ग्रुप में यहाँ पर मिल रहे हैं इसके आगे जाके हमें पब्लिक से भी मिलना पड़ेगा उन्हें भी ये संदेश हमें देना पड़ेगा कि आने वाले समय में चाहे जो भी जजमेंट आता है चाहे जो भी चीज़ होती है कोर्ट का आदेश किसी न किसी के कभी फेवर में आता है या कभी अगेंस्ट में आता है या कभी जो है बैलेंस जजमेंट रहता है किसी भी कोर्ट का देखेंगे चाहे JNFC कोर्ट से लेके आप सुप्रीम कोर्ट तक की बात करें. कलेक्टर साहब और बाकी सारे अग्रणियों ने आपसे आह्वान किया ही होगा पुलिस की तरफ से सबसे बड़ी बीमारी जो है हमारे इलाकों में जो आती है उसी को मैं एड्रेस करना चाहूँगा. वो है आपका फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया. हर किसी को लगता है मैं घर बैठ के ये लिख दूंगा और मैं राजा बन जाऊँगा ये नहीं होगा. और जो लिखेगा भले ही वो कोई क्या करता नहीं सर मैंने तो नहीं किया मैंने सिर्फ फॉरवर्ड किया. फॉरवर्ड करना भी कानूनन अपराध है. बिल्कुल तो इस पर हमारी बहुत पैनी नज़र है. ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर के बेडरूम की शांति में बैठ के ये कर रहा हूँ लेकिन हमारी नज़र है उसमें और हम इनको नहीं छोड़ेंगे. लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है जो सोशल मीडिया है इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है तो वो करने के लिए मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा ना कि निगेटिव इस्तेमाल के लिए. बाकी चीज़ें सारे ऑफिसर्स ने कही होगी मैं दोबारा दोहरा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बट सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर कोई निगेटिवली करेगा और यही आजकल सबसे बड़ी बीमारी हो गई है लेकिन हमारी पूरी नज़र रहेगी और इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस
हमें अगर ऐसा नजर आए कि कोई रिलीजियस सौहार्द को हमारे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले इंस्टेंस में एफआईआर रजिस्टर करके उनको अरेस्ट करेंगे और आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का सब शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ जो हमारा माहौल पहले से बरकरार रहा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम सब मिलके जो भी फैसला आएगा उसको अपने सर आंखों पे रखेंगे और उसका स्वागत करेंगे और भाईचारा बना कर रखेंगे। निवेदन है कि यहाँ के माहौल का तजुर्बा हम सबको है, हम सब अपने हर मजहब के हर जो त्यौहार होते हैं भाईचारे से मनाते हैं और हम आपको पूरा सहयोग देने का वादा करते हैं। कहीं ना कहीं बड़ा माहौल खराब हो जाता है और बाद में उसको लेवल पे लाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति होती है। तो आप सभी पढ़े लिखे लोग हो, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग मैच्योर लोग हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी धर्म को वो प्रेरित करने वाले लोग हैं। तो हमारे यहाँ से एक ही मेरा एक नैतिक जिम्मेवारी के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि सभी अपने समाज को और अपने परिवार को नेतृत्व करने वाले आप ही सभी हैं। तो यहाँ से सभी एक पॉजिटिव बात लेके जाए, सभी के माइंड में एक ही चीज़ हो कि हम सब एक हैं, हम लोग सब साथ हैं और सब साथ में रहकर इस प्रदेश के विकास की तरक्की के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए सोचेंगे।